सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विश्लेषण कर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम इनका जो प्रश्न है कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा नॉलेज इन्होंने अपने लाइफ में गेन किया, लेकिन प्रॉपरली इनको सक्सेस या वो प्लेस नहीं मिल पा रहा है जिसके ये लायक हैं। उम्र भी जो है तकरीबन 38 के आसपास में होने को आ गई है। तो ये इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर पहले नज़र में आप देखेंगे इस हाथ में, तो देखने को मिलेगा भाग्य रेखा कितनी यहाँ पर मजबूत है। इस प्रकार से एकदम प्रॉपरली इसका कर्व जो है यहाँ पर सैटर्न की ओर, शनि की ओर जा रहा है, और अन्य भाग्य रेखा भी ओवरऑल हैंड जो है बहुत अच्छा है, पर कमी कहाँ आ रही है। तो इसी विषय में आज मैं इस हैंड के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ, जिसे कहते हैं शनि वलय यानी रिंग ऑफ सैटर्न। शनि पर्वत जान लीजिए कहाँ होता है, सेकंड फिंगर है। इस फिंगर के नीचे का ये जो एरिया है ये आपका सैटर्न है यानी शनि। शनि पर्वत पर जब भी कुछ इस प्रकार की आकृति बने या कुछ आड़ी रेखा इस प्रकार से हो, प्रॉपरली जो शनि वलय है वो कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन ये भी शनि वलय का ही एक अंदरूनी पार्ट है। जब इस प्रकार का योग बने और चाहे जितनी भाग्य रेखा हो, ये सही नहीं होता है। देखिए, मैं आप सभी को डराना या वहम में डालना नहीं चाहता, जो सच है वो जान लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि मेरे हाथ में हर चीज़ अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ भी आज तक हाथ नहीं लगा, मतलब सक्सेस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में ये शनि वलय था। शनि वलय क्या हो रहा है, ये भाग्य को कमज़ोर कर देता है। असल में माफ़ करेगा, जो सही जानकारी है वही मैं चाह रहा हूँ आपको देना, ताकि आप इसके उपाय करें और इस चीज़ को सही करें, और ये उपाय के द्वारा सही हो भी जाता है शनि के। तो जब इस प्रकार का कुछ भी योग बने, तो जान लीजिए कि जितनी मेहनत आप कर लें, जितना परिश्रम कर लें, उसके अनुसार आपको फल प्राप्ति नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों में देखा गया है कि ज्ञान जो है इनको अर्जित करने में दिक्कत आता है। ज्ञान अगर अर्जित भी कर लिया तो उसको इम्प्लीमेंट, उसको लाइफ में यूज़ करने में दिक्कत आता है, कोई काम उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाता। निर्णय लेने की क्षमता में भी बहुत अफेक्ट पड़ता है, कार्यों में देरी बहुत होता है। शनि जो है समय का भी कारक होता है, निर्णय लेने का कारक होता है, आपके शांत स्वभाव भाग्य का सर्वप्रथम कारक होता है। तो जब इस प्रकार का योग बने तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देरी से होती है। जैसे शादी ले लीजिए आप, ये भी देरी से होता है। जो जॉब लगना है, जो करियर स्टार्ट होना है, वो भी देरी से होता है। सब चीज़ लाइफ में होते हुए भी कमी हर कुछ रह जाती है इसी कारण से। तो इसके उपाय जो है व्यक्ति को करने चाहिए। शनि के उपाय जो है बहुत सरल है, वो करने से सबको आज तक बेनिफिट मिला है, और इनको भी और आगे लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा जो जो शनि के उपाय करेंगे। तो ये था रिंग ऑफ सैटर्न। अब आते हैं इनके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगर की यहाँ एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूँगा। तो ओवरऑल फिंगर की लेंथ अगर आप देख पाएंगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट देखने को मिलेगी पूरे पाम के कंपेरिजन में, जिसके कारण एक सर्वप्रथम एनालिटिकल पर्सनैलिटी की कमी को ये इंडिकेट करता है। ऐसे लोग इमीडिएटली एक्शन करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, फटाफट फेरबदल करना यानी डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, ऐसे जो है। और वहीं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फिंगर के ऊपर कितनी सीधी खड़ी रेखा आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रकार के फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है। हालांकि देखिए, थोड़ी आड़ी रेखा भी है जो थोड़े से रिलेशन में होने वाले अनबन एवं मतभेद के योगों को बताता है, लेकिन कोई इतनी मेजर बात ये नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है। सन की क्वालिटीज़ ऐसे लोगों में कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, जैसे रिस्क टेकिंग नेचर, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, कोई बहुत अच्छी कलात्मक गतिविधि जिसको अगर ये लोगों के सामने लाएं, दिखाएं, तो नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलने में बहुत मदद जो है मददगार ये साबित होती है। अब इनके हाथ में आप एक और चीज़ देख पाएंगे कि जो इनकी सेकंड फिंगर है यानी सैटर्न की, तो ये जो गांठें होती हैं जो आपके हाथ में जो इस प्रकार से बनती है, ये जब हो, और इसके अलावा एक और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा लाइन खींची जाए या तीन गांठें या उससे ज़्यादा गांठें बन जाए, तो ये उस ग्रह से रिलेटेड होने वाले प्रभावों में अनुबंध का काम करता है। अनुबंध इन उस ग्रह के प्रभाव जो है नॉर्मली प्रॉपरली नहीं रह पाते, तो ये भी जो है सैटर्न के ही प्रभाव में होने वाली कमी को ये बता रहा है। अब यहाँ पर आते हैं एक एक पर्वत का
कर सभी पर्वत एवं रेखाओं के बारे में अवगत कराता हूँ। तो सर्वप्रथम देख लीजिए यहाँ पे कि अंगूठे पे इनका यव का चिन्ह बन रहा है। यव का चिन्ह बनना बहुत अच्छा होता है, धार्मिकता का कारक होता है ये। धर्म कर्म रहस्यमय विद्या इन सब में बहुत रुचि लेने वाले होते हैं ऐसे लोग, और इंटेलिजेंसी लेवल भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। वहीं पहले पर्व पर भी आड़ी रेखा हो तो ये अच्छे खासे धनवान होने का सूचक भी ये होता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो गुरु पर देख पाएंगे यहाँ पर कि लाइफ लाइन से एक रेखा बहुत अच्छी गई हुई है, उसी के साथ साथ अन्य रेखाएं भी यहाँ पर चल रही है और कुछ बारीक बारीक रेखाएं भी चल रही हैं। तो ये एक प्रकार से लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन लेवल को होने के योगों को बताता है कि अगर ये गुरु से रिलेटेड कोई वर्क करेंगे तो इनके लिए बहुत बेनिफिट उसके द्वारा मिलेगा। जैसे गुरु से रिलेटेड कौन सा प्रोफेशन आता है, नेतृत्व करने का, लीडरशिप क्वालिटीज, टीचिंग क्वालिटीज, बहुत अच्छे टीचर ये बन सकते हैं ऐसे लोग, और ऐसे किसी भी फील्ड में इन लोगों को बहुत प्रोग्रेस मिल जाने वाला होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छा कर लेने वाले, इस फील्ड से रिलेटेड, सिर्फ इसी फील्ड से रिलेटेड रहते हैं। साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ यहाँ पर आपको आड़ी रेखा देखने को मिलेगी जो एक प्रकार से धार्मिकता को और दयालुपन को भी जो है यहाँ पर व्यक्त करता है। शनि के क्षेत्र की चर्चा करें अगर भाग्य रेखा की, तो तकरीबन मणिबंध के ऊपर के क्षेत्र से एक रेखा सीधे गई है मरकरी की ओर और एक रेखा सीधे स्पष्ट रूप से निकल रही है शनि की ओर, पर यह हृदय रेखा पे ये भी आकर के रुक गई है। फिर मस्तिष्क रेखा से और अन्य रेखा निकल रही है और यहाँ पर ऊपर भी रेखा है, परंतु सबसे दूषित जो है परिणाम इसको यहाँ पर इस प्रकार से मिल रहा है। तब भी 60-65 की उम्र तक कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी कंपेरेटिवली नहीं है, लेकिन ये जो योग है ये थोड़ा सा इनको नेगेटिव प्रभाव इसी के कारण जीवन में मिल रहा है। बाकी हाथ बहुत इनका अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। अब सूर्य पे भी आएंगे तो आपको स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब ये भी योग बनता है तो इससे लोग बहुत नेम फेम कीर्ति जो यश प्रॉपरली होता है वर्ड वो अपने लाइफ में गेन करते हैं। कोई भी काम करेंगे वो इतना विस्तृत हो जाएगा, इतना फैल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि नाम होना ही है। वही वाली बात है, जिस जिस व्यक्ति के हाथ में होता है ऐसे लोग व्यापार में इतना उन्नति पाते हैं और इतने बिजी रहते हैं कि आपकी कोई जिसकी हद ना हो, इतना पैसा रहता है हर चीज़। लेकिन सब हाथ में होने के बावजूद अगर कुछ है, बार बार मैं फोकस दिला रहा हूँ, तो सिर्फ यही है क्योंकि इसकी जिन जिन के हाथ में है इनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उपाय करने की सिर्फ ज़रूरत है। शनि के उपाय करिए, फ़ायदा नहीं मिला अगर एक महीने के अंदर तो फिर बताइए। आते हैं सीधे मरकरी के ऊपर यानी बुध पर। तो बुध पर 1-7 रेखा मेडिकल सिग्माटा का साइन होता है। ये बताता है व्यक्ति की कितना अच्छा उसके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है, अपने बोलचाल की कला से, अपने नेचर के कारण। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना अपनी बुद्धि चालाकी के बलबूते पर, अच्छा खासा व्यापार में उन्नति पा जाना, प्रोग्रेस कर लेना, ये सारे के सारे योग आते हैं सिर्फ ये बुध के एक सेक्शन के अंदर। तो ये जो है बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देने वाला होता है। और जहाँ तक आते हैं इनके हृदय रेखा पे, तो हृदय रेखा आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हल्की सी हुई है, देन अगर नीचे स्लाइटली ये चल गया है। जब हृदय रेखा हाथ के इस प्रकार से आर पार देखने को मिल जाए आपको, तो ये सीधे सीधे समझ जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो है कार्य के प्रति बहुत निपुण होते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत अच्छे, जैसे साइंटिस्ट जिसे हम कहते हैं, या बहुत अच्छे रिसर्चर, या कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन जो लोग करते हैं उनके हाथ में 90% लोगों के हाथ में रेखा होती है, क्योंकि ये एक प्रकार के फोकस्ड नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे लोग किसी भी काम के प्रति हाथ धोकर के पीछे पड़ जाते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें सक्सेस मिलेगी, लॉस है क्या नहीं है, बस करते रहना जब तक कुछ निर्णय ना आ जाए या कुछ अनुबंध या कुछ लाइफ में ख़राब ना हो जाए, तब तक वो उस काम को करते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा सेंट्रल फोकस, सेल्फ फोकस, करियर फोकस ऐसे लोग रहते हैं। इमोशंस इसी कारण से थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, हालांकि हृदय रेखा इनकी अच्छी है, कुछ खराबी नहीं है यहाँ। अब यहाँ पर माइंड लाइन आप देख पाएंगे कि माइंड लाइन इनकी इस प्रकार से निकलते बिल्कुल स्ट्रेट चल गई है। स्ट्रेट माइंड लाइन भी यहाँ पर जो है लॉजिकल नेचर को इंडिकेट करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, सीधे स्पष्ट रूप से अपनी बात रखना, चीज़ों को समझना समझाना ये काबिलियत रहती है, लॉन्ग स्टडीज रहती है,
स्टडीज़ के फील्ड में अच्छा सक्सेस मिलता है। हार्ड डीप स्टडी कोई भी कर सकते हैं और अपने बुद्धि विवेक के बलबूते पर लाइफ में प्रोग्रेस पा लेने वाले होते हैं। लाइफलाइन पर आते हैं तो लाइफलाइन इनकी इस प्रकार से चल रही है, देन इसमें ओवरलैपिंग इस प्रकार से हुई है, कनेक्टिविटी गुरु से होने के बाद लाइफ स्मूथली चल रही है। तो मेरा तो कहना इनको यही है कि ये यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या इस प्रकार से कर रहे हैं, एक बार अपने आप को टीचिंग लाइन में या लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ है मैनेजिंग लाइन में इन सब में अगर ला करके देखें तो बहुत इनको सक्सेस गेन होगी और संतुष्टि जो जीवन में चाह रहे हैं वो उसी के माध्यम से मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर में व्यापार का भी योग इनके हाथ में अच्छा है तो कोई बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं। तो इसके लिए जो है इनको थोड़ा सा ध्यान देने चाहिए। और यहाँ पर जो इनके लाइफ में आप देख पाएंगे कि इनकी लाइफ लाइन जो प्रोमिनेंट हुई है वो तकरीबन यहाँ पर हो रही है 46-47 के एज के आसपास में। उसके पहले तक अगर बारीकी से देख पाएं तो ये रेखा भी जो है प्रोमिनेंट है ही नहीं, तो लाइफ भी इनकी ऐसी ही रहेगी, प्रोमिनेंट कुछ नहीं रहेगा, सब टेम्प्रेरी रहेगा, कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, ना प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग हो पाना, ना प्रॉपरली करियर चूज हो पाना, ना ही कुछ हो पाना, सब ऐसे ही उठा पटक करके काम चलेगा। लेकिन इस रेखा को जो सहायता दे रही है वो ये सब सपोर्टिव गार्जियन एंजल्स लाइन है, मंगल रेखा। अगर ये नहीं होती तो ये टाइम बहुत गंदा और बहुत ख़राब बीतने वाला था, लेकिन इन रेखाओं के कारण सारे दुख सारे परेशानी हर लिए गए हैं, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन है जो ऊपर वाले की भी कृपा आप जैसे लोगों पे असीम होती है, और दूसरे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा बन जाता है जिसके कारण कोई दिक्कत फिर नहीं आती। मंगल के क्षेत्र की चर्चा करें तो मंगल भी यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ से रेखा निकल के कितना माइंड लाइन से जुड़ रही है। जितना ज़्यादा माइंड लाइन से जुड़ती है व्यक्ति उतना ज़्यादा लाइफ में डिसीजंस लेता है, उन डिसीजंस के अंदर चेंजेस करता चला जाता है, चेंजेस बहुत जल्दी चीज़ों में करते हैं। किसी भी जो है मतलब इन लोगों के लाइफ में क्या देखा करने को मिला है कि कंफ्यूजिंग माइंड जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब दूसरों से राय लेंगे तो ही काम करना, दूसरों ने कह दिया तो वो चीज़ एकदम करेक्ट है, लेकिन खुद के उस पर बलबूते पर चल पाना थोड़ा इनके लिए कठिन रह जाता है। बाहरी मंगल भी यहाँ पर कुल मिला के अच्छे परिणाम देने वाला है। शुक्र इनके हाथ में अच्छा है जिसके कारण लग्जरी सुख सुविधा रॉयल्टी ब्रांडेड चीज़ें इन सब चीज़ों में इनका खर्च जो है ज़्यादा रहेगा और ये सब चीज़ें इनके पास रहेगी भी। और ख़ासकर जो शुक्र है वो बेनिफिट देता है धन से रिलेटेड, तो धन जीवन में अच्छा रहेगा, खर्चीलापन भी रहेगा। अब यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं ये आड़ी रेखा यही ट्रबल का काम करती है, जितनी ज़्यादा ये देखिए अंत तक आड़ी आड़ी रेखा ही यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट कुछ रेखा आकर के यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर लाइफ लाइन से भी जुड़ रही है, काट रही है। तो ये फैमिली और मैरिड लाइफ में रिलेटेड मैरिड लाइफ से रिलेटेड होने वाले ट्रबल को इंडिकेट यहाँ पर करता है, तो इसके भी थोड़े से रेमेडीज़ करने जो है इनके लिए आवश्यक है जिसके कारण मैरिड लाइफ से जो रिलेटेड सुख है वो इनको प्रॉपरली मिल पाएगा। चंद्र के विषय में चर्चा करें तो चंद्र पे भी भाग्य रेखा निकली हुई है, तो विदेश यात्रा विदेशी भूमि से भ्रमण वहाँ से लाभ मिलने के योग बहुत प्रबल हैं, और वहीं एक बहुत अच्छी यहाँ से भाग्य रेखा से रेखा निकली हुई है जिसे मरकरी लाइन कहते हैं यानी व्यापार रेखा, और इसी के कारण से हाथ में जो है बहुत अच्छा यहाँ पर बिग मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। चाहे जो भी हो भाग्य जैसा भी हो शनि जो भी प्रभाव दे पर धन तो आपके पास जीवन में रहेगा, धन बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी काम करें आपके पास धन बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा बचेगा बढ़ेगा भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मनी से रिलेटेड लाइफ में, जितना भी टफ आपके लाइफ में सिचुएशन आ जाए लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम और क्राइसिस आ जाए ये मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा बिग मनी ट्रायंगल और उसके अंदर भी एक छोटा सा स्मॉल अगर ट्रायंगल हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और वैसे भी बहुत कम हाथों में होता है ये, और जो रिंग ऑफ सैटर्न है ये भी कम ही होता है, तो ये सब बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा हाथ है ये, मतलब बहुत बड़े आदमी का है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रतिबंध कर रही हैं इन सब चीज़ों में। उपाय करिए शनि के फिर प्रभाव देखिए कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और रह गया हो तो ज़रूर बताएं, कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर बताएं, कोई सुझाव हो कोई प्रश्न हो जरूर